हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 20D का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया था इस वाले एक्सरसाइज के कि देखो, जो ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना रहता है उसके कई फार्मूलाज होते हैं। अगर हमें बेस और हाइट पता है तो वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास तो उसका एक अलग फार्मूला हम लगा सकते हैं, √3/4 वाला, है ना। और यहाँ पर हम जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो हीरोन्स फार्मूला कहलाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, हीरोन करके उनका नाम था, तो उन्होंने इस फार्मूला को यूज़ किया था, उन्होंने फाइंड किया था, कह सकते हो डिस्कवर किया था इस फॉर्मूला का। इसमें क्या होता है कि जब कभी भी हमको एक ट्रायंगल दिया रहता है थ्री साइड वाला, ठीक है, ट्रायंगल यानी कि थ्री साइड, तो उसमें अगर हमारे पास हाइट नहीं है, देखो एरिया फाइंड करने के लिए हमको बेस और हाइट दोनों पता होना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास हाइट नहीं दिया हुआ है तब हम कैसे फाइंड करें। तो उनके दिमाग में भी ये सवाल आया था कि अगर हमको हाइट नहीं दिया गया है, केवल साइड बता दिए गए हैं, तो फिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारा रेक्टेंगल होता है वहाँ पर, स्क्वायर होता है वहाँ पर तो हाइट नहीं दिया रहता है, फिर भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो उन्होंने फिर दिमाग लगाया अपना, साइंटिस्ट वाला, मैथमेटिशियन वाला, और फिर उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था, उसी फॉर्मूला को हम यूज कर करके यहां पर इसे सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चंस को, जहां पर हमें ट्रायंगल के साइड दिए हुए हैं। एक तो यहां पर साइड है हमारे पास ए, बी और सी, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो फर्स्ट 13 में, 3 जो क्वेश्चन हमारे सेम टू सेम बनेंगे, कुछ अलग नहीं है, केवल एक मीटर में है, फिर सेंटीमीटर में, फिर मीटर में है, बस आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताते हैं, 2 क्यों नहीं बताते। तो मैं यहां पर 2 बता देता हूं, फर्स्ट और थर्ड उसी तरीके से सेम टू सेम बनेगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14 के पास चलेंगे, ठीक है। आइए पहले हम यूज़ करना सीखते हैं कि फॉर्मूला को यूज़ कैसे किया जाएगा, और उससे हम सीखेंगे कहाँ पर, इस क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड वाले में। आइए सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर आपको वो पता रहेगा तो फिर आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो जो फॉर्मूला होता है हमारे ABC का, ट्रायंगल अगर ABC हमें दिया हुआ है और वहाँ पर हमें AB और C का लेंथ पता है, साइड्स का लेंथ पता है, तब फॉर्मूला क्या होता है, √S ब्रैकेट में S - A, ठीक है, फिर ब्रैकेट में S - B और फिर ब्रैकेट में S - C। यहाँ पर आपको ABC तो समझ में आ ही रहा होगा, जो साइड है उनको ABC कहा जा रहा है। रहा सवाल S का, तो ये S क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। S जो होता है वो उसके जो पेरीमीटर हम निकालते हैं ना, पेरीमीटर का आधा होता है, यानी कि ABC को अगर हम ऐड करते हैं तो पेरीमीटर कहलाता है। तो S = होता है हाफ पेरीमीटर, यानी कि हाफ A + B + C, यानी A + B और C हम करते तो क्या निकलता, हमारा पेरीमीटर निकलता, और हाफ कर देने इसका मतलब क्या होगा कि पेरीमीटर का आधा हो जाता है, ये जो S रहता है, समझ में आया। तो यहाँ पर हमें ABC कितना दिया हुआ है, A = हमें दिया हुआ है यहाँ पर 52, ठीक है, ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में, सेंटीमीटर में है। उसके बाद B = हमारे पास दिया हुआ है 56, ठीक है, सेंटीमीटर, और C = दिया हुआ है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। ये 3 दिए हुए हैं वैल्यूज़, हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ सबसे पहले हम ना ये S फाइंड कर लेते हैं। तो S = हमारा कितना हो जाएगा, हाफ A + B + C, यानी कि 52 + 56 + 60। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/2, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, ये 0 6 6 और 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 10 और 6 16, यानी कि 168 आ गया हमारा आंसर इनको ऐड करने के बाद। अब इससे हम कट कर देते हैं 2 को, क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2 8 जो हो जाएगा हमारे पास 16 और 2 4 8, तो इसका आंसर S = कितना निकल जाएगा हमारा, 84 सेंटीमीटर यहाँ से निकल जाएगा। अब हमको किसका किसका जरूरत पड़ेगा, तो देखो आप फॉर्मूला लिख करके भी वहाँ पर इसको वैल्यू को निकाल सकते हो, या फिर चाहो तो आप पहले भी निकाल सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ इस तरीके से। सबसे पहले हम निकालेंगे S - A, क्योंकि उसका जरूरत पड़ेगा यहाँ पर हमको, S में से A माइनस किया हुआ वैल्यू अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं तो फिर फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे फॉर्मूला में, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा हमको, फॉर्मूला में एक बार पूरा लिखना पड़ेगा फिर उनका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम डबल काम नहीं करते हैं, हम यहाँ पर पहले ही कर लेते हैं। S - A = कितना हो जाएगा हमारा, S हमारे पास 84 और A हमारे पास है 52, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 32 सेंटीमीटर। उस तरीके से हमको S - B की जरूरत पड़ेगा, तो S - B कितना हो जाएगा यहाँ से, और ये सेंटीमीटर में आ गया, ये ध्यान रखना, यहाँ B कितना है 56 है, तो 84 यानी कि S - B यानी कि 56। तो ये हमारा 14 में से 6 माइनस हुआ तो 8, 7 में से 5 माइनस हुआ तो 2, तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या निकालना है, S - C निकालना है, तो S - C कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 84 - C का वैल्यू हमारे पास है 60, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा डायरेक्ट सेंटीमीटर में। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल = हमारा जो फॉर्मूला है उसमें आप पुट कर दो डायरेक्ट, फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप पहले लिख चुके हैं फॉर्मूला तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, अगर आपने पहले नहीं लिखा है तब यहाँ पर जरूर लिख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, S के जगह हमको कितना लिखना है, 84 लिखना है, 84 लिख लो,
यहाँ पर इसके बाद ये ब्रैकेट में था, अब आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो क्योंकि हमको वैल्यू पता है। और ब्रैकेट ओपन करके क्या साइन लगाना है, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं था, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 32, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 28 एस माइनस बी का वैल्यू, और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा ये 24 यानी कि एस माइनस सी का वैल्यू। समझ में आ गया ना ये सब कहाँ से आया, ये हमने वैल्यू जो पहले से निकाल के रखे थे इनके, वही मैंने यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर दिया है और कुछ अलग से नहीं किया गया। अब बस हमको क्या करना है, इनका वैल्यू फाइंड करना है, इनका पेयर बनाना है। देखो अंडर रूट में आ गया, इसका मतलब क्या होगा, पेयर बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 का पेयर बनेगा तो 1+2 निकलता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर इसका पेयर बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये कितने से पेयर इसका बन रहा है। तो सबसे पहले आप बड़े नंबर से बनाओ, अगर आप छोटे नंबर से 2 से स्टार्ट करोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप बड़े से बड़े नंबर से बनाने की कोशिश करो, उसके बाद फिर वो छोटा नंबर ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो 84 किसके टेबल में आता है हमारा, 4 से तो हो ही जाएगा, 4 के टेबल में 84 आ ही जाएगा। 6 में, हाँ 6 में भी आ जा रहा है, 6 से हम बना लेते हैं। ठीक है, या फिर आप जो 7 से भी चाहो तो 7 से भी बन सकता है ये 84, क्योंकि 7 हो जाए 7, 7 टू जाए 14 हो जाएगा, किसी से भी आप बना सकते हो 6 7, यानी कि बस थोड़ा बड़ा नंबर से बनाओ ताकि आपको बाद में काम आसान हो जाए। तो मैं इसको 6 × 14 कर देता हूँ, क्योंकि 14 6 हमारा 84 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 32 है तो 32 किसके में हम ले लें, ये भी हमारा 2 में भी आता है लेकिन 4 में भी आता है, तो 4 8 32 होता है तो हम 4 से ले लेते हैं, या फिर 8 4 आप लिख लो जो भी लिखना चाहो, 8 4 जा 32। ये 28 किस में आता है, 4 7 जा या फिर 7 4 जा, जो भी आप कह लो। ठीक है, ये 28 हो जाएगा। और ये 24 किसके टेबल में आता है, किसका हम इसको किस चीज़ में डिवाइड करें, तो इसको भी हम कर सकते हैं 2 × 12 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको 6 भी कर सकते हैं क्योंकि 6 के टेबल में भी आता है, तो हमको 6 से कर लेते हैं, यानी कि 4 × 6 हो जाएगा हमारा 24। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था ना पूरा एकदम लंबा से इस तरीके से, वैसा और नहीं करना, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा। पहले आप बड़े नंबर से डिवाइड करो और पेयर बनाकर बस निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखते हैं पेयर किसका किसका बन गया, ये 4 का तो पेयर बन गया, एक पेयर बना है लेकिन केवल यहाँ पर दूसरा पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, एक 4 यहाँ पर बच जा रहा है, तो अब हम कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम इसको और थोड़ा सा छोटा तोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे 6 को और छोटा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 जो है वो हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, 6 क्या हो गया, 2 × 3 हो गया। इस तरीके से आप तोड़ते जाओ लाइन से और जल्दी जल्दी तोड़ने की कोशिश करना। ये 14 हमारे पास है, सॉरी है ना 14 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 × 7 कर सकते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं 2 × 7। ये 8 है हमारे पास, तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 × 4 कर सकते हैं, तो इसको कर लो 2 × 4। ये 4 को और इस 4 को भी 4 ही रहने दो, क्योंकि इसका पेयर बना हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, 4 × 4। ठीक है, ये वाला 4 और ये वाला 4, थोड़ा सा ये रफली हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 7 तो 7 ही रहेगा, ये तो टूट नहीं सकता, ये 4 का हम 4 रहने देते हैं, और ये 6 को भी हम 2 × 3 में तोड़ देते हैं। अब ये देखते हैं कहाँ कहाँ पर पेयर बना, तो पेयर बनने के लिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो सकते हो, इसलिए क्या करो, सबसे पहले सभी को इकट्ठा एक बार अरेंज कर लो। जैसे कि ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 2 को इकट्ठे ले आओ, ये 1 2 3 और ये 4, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम। उसके बाद फिर अब 3 है क्या, बिल्कुल 3 है, यहाँ पर है एक और एक यहाँ पर है, तो 3 को ले आओ एक साथ। ठीक है, लाइन से मतलब कि अरेंज करना है बस हमको और कुछ नहीं। उसके बाद 4 वाले कितने हैं, तो 1 2 3 4 वाले 4 हैं, तो हो जाएगा 4 × 4 टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास 6 है, क्या नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है और ये 2 टाइम है, तो 7 × 7। अब हमारा देखो पेयर बन जा रहा है, ये 2 का पेयर बना, यहाँ भी 2 का पेयर बना, ये 3 का बना, ये 4 का, एक और 4 का और एक 7 का बना है। तो अब सभी ये क्या होंगे, अंडर रूट से बाहर निकल जाएंगे। ये 1 2 बाहर निकला, इन दोनों में से 1 2 बाहर निकला यानी पेयर बन के, ये 3 बाहर निकल गया, ये यहाँ से 4 बाहर निकला एक, और यहाँ वाला भी एक 4 बाहर निकला, और ये 7 बाहर निकल गया अंडर रूट से। अब बस इसका मल्टीप्लाई करना है और जो हमको आंसर रहेगा वो हमारा पता चल जाएगा। आइए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जो हमारा 4 हो जाएगा, 4 3 जो हो जाएगा 12, 12 4 जो हो जाएगा 48। ठीक है, तो 48 का 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 48 × 4 हो जाएगा 32 का 2 कैरी हो गया 3, 16 और 3 19। उसके बाद 7 से मल्टीप्लाई करना है, यहीं पर कर लेते हैं, 7 2 14 का 4 कैरी हो गया 1, 63 और 1 64 का 4 कैरी हो गया 6, 7 7 और 6 हो जाएगा 13। तो इसका आंसर कितना हो गया, 13 44। और ये सेंटीमीटर में था, इसका मतलब एरिया क्या में निकलता है, हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। आप यहाँ पर फॉर्मूला के आगे भी स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो कि जो हमारा एरिया निकलेगा वो लास्ट में स्क्वायर के यूनिट्स में निकलेगा, यानी कि सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा इस तरीके से। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व, मतलब कि मेन क्या काम रहेगा पता है आपको, इस चीज़ को बस तोड़ना ही मेन रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया तरीका कि आप इस तरीके से फैक्टर फाइंड करते जाओ 84 का 2 2 2 करके लाइन से, तो भी आपका आंसर आ ही जाएगा लास्ट में, आपको बस पेयर बनना चाहिए। लेकिन कोशिश ये करना कि बड़े से बड़े नंबर का पेयर बना सको ताकि वो जल्दी बाहर निकले। जैसे 2 2 का बनाएंगे हम लोग ना तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, मैं इसको 4 का भी एक बना सकता था, ये जो हमारा 2 2 निकला ना 2, इसके जगह मैं 4 × 4 भी इसको कर सकता था अगर कोशिश करता, तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी में बनाया इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाया। ओके, तो आप जरूर कोशिश करना कि बड़े से बड़े नंबर बाहर निकले आपका, और वो जरूर निकलेगा आपसे। आप चाहो तो ये वाला यूज़ कर सकते हो फैक्टर निकालने वाले, इस तरीके से 84 लिखना तो 2 का टेबल में 4 टाइम पे 2 टाइम पे, फिर ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2,
फिर ये 3 है ना, 3 के टेबल में 20 बनाएगा 7 टाइम पे, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ओके, अगर आपको ये डायरेक्ट समझ में नहीं आया होगा तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 13 सॉल्व। इसी तरीके से फर्स्ट और फोर्थ भी आपको क्या बोलते हैं थर्ड भी सॉल्व करना है 13 का, सेम प्रोसेस रहेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है। और अगर इसमें किसी भी टाइप का आपको डिफिकल्टीज होता है, मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या थ्री, उसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 33 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। यानी कि लेंथ हमें दिए हुए हैं, ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है हमें, उस बाद हमसे क्या कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया फाइंड करना है जैसे हमने यहाँ पर फाइंड किया था उसी तरीके से। एंड हैंस फाइंड द हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक चीज़ हमको एक एक्स्ट्रा फाइंड करना है यहाँ पर, यानी कि जो ट्रायंगल है उसमें जो हमारा एक साइड रहेगा 44 सेंटीमीटर वाला, उसके अकॉर्डिंग में जो हाइट बन रहा है सिधाई में उसके, वो कितना हाइट बन रहा है ये भी हमको यहाँ पर बताना है। तो ये बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ये हमें वैल्यूज दिए हुए हैं, मैंने इस तरीके से लिख लिया, लेट ए इक्वल टू 33 सेंटीमीटर, यानी कि ए हम मान लेते हैं 33 दिया हुआ, क्योंकि वहां पर ए बी सी तो लिखा नहीं था जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया था। तो यहां पर हम लिख लेंगे एक बार कि ए हम मान लेते हैं 33, बी 44 और सी 55। अब देखो हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ता है, जब हम फॉर्मूला में फाइंड करते हैं तो बिना हाइट वाले जब फॉर्मूला में हम फाइंड करते हैं तो हमको एस का जरूरत पड़ता है, तो हम यहाँ पर से एस निकाल लेंगे। और एस हमको पता है क्या होता है, एस इक्वल टू होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यही फॉर्मूला है एस निकालने का। तो यहाँ पर हम एस निकाल लेते हैं, हाफ ब्रैकेट में ए हमारे पास 33 प्लस 44 और प्लस 55। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, हाफ मल्टीप्लाई का साइन, 5 और 4 9 और 3 12 का 2, कैरी हो गया 1, 9 और 1 ही हो जाएगा 10, यानी कि 102 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 और 3 12 का, 5 और 4 9 और 3 12 का 2, कैरी हो गया 1, तो 5 और 1 6 और 4 10 और 3 13 हो रहा है। कहाँ पे मैं गलती कर दिया था भाई, अच्छा 5 और 9 इसको मैं कर दिया था, 3 को छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 132 हो रहा है। तो अब इसको हम कट कर लेते हैं, 2 1 2 2 6 हो जाएगा हमारे पास 12, 1 इधर बच गया तो फिर 2 6 हो जाएगा दोबारा से 12। तो एस का वैल्यू कितना निकल गया हमारे पास, 66 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, अब हमको किसका इसका और जरूरत पड़ता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है ना इसमें। तो हम चाहे तो यहाँ पर निकाल सकते हैं जैसे पहले मैंने निकाला, या फिर एरिया वहाँ पर निकालेंगे जब फॉर्मूला का एरिया लगा लेंगे, तो यानी कि एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे तो मैं यहीं पर निकाल लेता हूँ, ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है, थोड़ा सा अच्छा दिखता भी है। तो एस माइनस ए इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 66 माइनस 33 होगा, तो 66 में से 33 माइनस होगा तो 33 ही आ जाएगा, यानी एस माइनस ए का वैल्यू निकल गया हमारे पास 33 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर एस माइनस बी कितना निकल जाएगा, तो एस माइनस बी हमारे पास है 66 माइनस 44, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2, यानी कि 22 सेंटीमीटर। एस माइनस सी कितना हो जाएगा, 66 माइनस 55, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम रखते हैं इसको फॉर्मूला में। तो यहाँ पर मैंने एक बार फॉर्मूला नहीं लिखा है ना, तो हम यहाँ पर एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसी में पुट कर लेंगे पूरे वैल्यूज़ को, एस हमारे पास 66 है, एस माइनस ए का वैल्यू कितना निकला हमारे पास 33 निकला, एस माइनस बी का वैल्यू कितना निकला 22 निकला, और एस माइनस सी का वैल्यू कितना निकला हमारे पास 11 निकला। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, छोटे नंबर में डिवाइड करना है हमको, तो मैंने आपको बताया है ना कि जितना बड़ा से बड़ा हो सके वो ले लेना है आपको। तो यहाँ पर हम इसको चलिए ये डिवाइड कर लेते हैं, 66 है, इक्वल का साइन लगेगा ये वाला, ठीक है, एरो को नहीं लगाना है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 66 11 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, लिख लेते हैं 11 मल्टीप्लाई 6, 33 जो होगा हमारा 11 मल्टीप्लाई 3 होगा, 22 जो है 11 मल्टीप्लाई 2 होगा, और ये 11 का 11 ही रहेगा। ओके, तो अब क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो 6 है यहाँ पर देखो 11 का पेयर बन गया, 4 पीस 11 4 11 है, इसका मतलब 2 पेयर बन गया, तो 2 11 तो बाहर निकल जाएंगे, 3 और 2 का यहाँ पर पेयर नहीं बन पा रहा है और 6 का, तो हम इस 6 को 3 और 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं ना, तो फिर 3 का भी पेयर बन जाएगा और 2 का भी पेयर बन जाएगा। इस तरीके से देखो 11 का 11 रहने दो, 6 की जगह हमें 2 मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, ये 11 का 11, ये 3 का 3, ये 11 का 11 रहेगा, ये 2 का 2 और ये 11 का 11। अब इसको आप अरेंज भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, पिछली बार थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने अरेंज किया था, यहाँ पर अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साफ दिख रहा है 1 2 3 और 4 पेयर बन रहा है, इसका मतलब 2 11 बाहर निकल जाएंगे हमारे, उसके अलावा 2 का एक पेयर बन रहा है यानी कि 2 निकल जाएगा बाहर, और 3 का एक पेयर बन रहा है यानी कि 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये सब क्या निकलेगा हमारा, सेंटीमीटर का स्क्वायर में निकलेगा, ये स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लास्ट में सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लेंगे, चाहो तो आप लिखते जा सकते हो लाइन से, अदरवाइज लास्ट में भी लिख सकते हो। तो 11 11 जो हमारा कितना होता है 121 होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 121 मल्टीप्लाई पहले 2 होगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। अब 3 से भी कर लेते हैं यहीं पर, 3 2 6 ये हो जाएगा 12 का 2 कैरी हो गया 1, 3 2 6 और 1 7, तो एरिया कितना निकलेगा हमारे पास 726 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखा आपने कितना आसान था, बस यही काम है मेन, बाकी सब एकदम बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना, केवल प्लस माइनस करते जाना है।
ठीक। अब हमको देखो ये पता चल गया कि जो टोटल एरिया है वो इतना है। अब हमसे क्या कह रहा है ना कि मान लो इस टाइप का आपका ट्रायंगल था, ठीक है, एक हमारा था कितना 33 था, एक 44 था और एक कितना था 55 साइड का एंगल था हमें दिया हुआ था, एरिया मतलब क्या बोलते हैं उसे, मेजरमेंट दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था साइड्स का, ठीक है। तो हमको बोल ये रहा है कि जो 44 वाला है, ये वाला जो साइड है ना, इसको बेस मान करके आप क्या करो, एक हाइट पता करो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस और हाइट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो वो वाला फार्मूला क्या होता है हमारा, एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही फॉर्मूला होता है। तो बेस हमारे पास कितना है यहाँ पर, ये 44 है और ये हाइट हमको पता करना है, उसके अलावा एरिया भी हमने निकाल लिया है। तो बस सभी को वैल्यू को पुट कर लो, ये हो जाएगा 726 इक्वल के उस साइड में 1/2 मल्टीप्लाई बेस के जब हम 44 लिखेंगे, क्योंकि हमने बोला क्वेश्चन के हिसाब से बोला था कि 44 वाले को आपको निकालना है उसको मेजर करके, ठीक है। यहाँ पर साफ से बोला था करस्पॉन्डिंग टू द साइड मेजरिंग 44 सेंटीमीटर, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग में जो हाइट बन रहा है उसे फाइंड करो, यानी कि बेस का काम करेगा हमारा 44 वाला। तो 44 और मल्टीप्लाई में हाइट, बस इसको इधर ट्रांसफर करो और हाइट का वैल्यू पता चल जाएगा हमें। तो हो जाएगा 726, ये 2 जो इधर डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 44 ऊपर में इधर आकर के नीचे में 44 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको कट भी मैं कर सकता था, कोई बात नहीं, अब इधर हम कट कर लेंगे। इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एच, ये देखो 11 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हमारा पक्का है कि 11 से होगा ही होगा, क्योंकि ये लास्ट में हमको पूरा पूरा डिवाइड होगा तभी हाइट का पता चलेगा, नहीं भी होगा तो डेसिमल में तो हमको लाना ही है। तो हम डायरेक्ट 11 से करके देखते हैं, 11 4 जा ये हो जाएगा 44, ऊपर में 11 6 जा हो जाएगा 72। अब कितना बच रहा है, 72 में से 66 माइनस होगा, 11 6 जा 66 होता है, तो 72 में से 66 माइनस होगा तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, वो 6 इधर गया तो फिर से ये 66 बन जाएगा, तो 11 6 जा फिर से 66। अब ये दोनों 2 से कट हो रहे हैं, कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये दोनों फिर 2 से कट हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो हाइट हमको कितना पता चल गया यहाँ से, 33, और ये निकलेगा हमारा सेंटीमीटर में। तो हाइट भी पता चल गया हमें और फिर ये भी पता चल गया एरिया भी, यही दोनों चीज़ को हमसे पूछा था, ये और ये, तो ये निकल गया हमारे आंसर। आई होप आप क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 और 14, और ये जो फर्स्ट और थर्ड मैंने बचाया है आपके लिए उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ना, लगता हमेशा है कि हाँ समझ में तो आ गया बना लेंगे, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमसे नहीं बनता है। तो जरूर आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।